एसबीआई स्टेट बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए, दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है एसबीआई क्विक। एसबीआई क्विक जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, एसबीआई क्विक। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम सब उसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों एसबीआई क्विक आप इस तरह का आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको फिर इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। हमने पहले से दोस्तों डाउनलोड करके रखा है। दोस्तों हम फिर इसके बाद ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों तो आप देख पाएंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है वन टाइम रजिस्टर इज रिक्योर फॉर बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट एंड चेक बुक रिक्वेस्ट। यहाँ दोस्तों तो रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर योर मोबाइल नंबर फॉर मैसेज कॉल बैंकिंग, और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों योर इंटर अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो इंटर योर अकाउंट नंबर पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंटर योर अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो इंटर योर अकाउंट नंबर पर हम क्लिक करते हैं। तो इंटर योर अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम दोस्तों अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो अकाउंट नंबर दर्ज करना चाहते हैं, जिस अकाउंट नंबर से हमारा मोबाइल नंबर है जिसको हम चेक करेंगे, दर्ज करना चाहते हैं जिसमें अपना मोबाइल नंबर, दोस्तों जिसमें हम दर्ज करना चाहते हैं तो हम अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं। हमने दोस्तों डाल दिया है, इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर सबमिट नीचे लिखा हुआ है, तो हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे, तो आप दोस्तों देख पाएंगे कि यहाँ नीचे हमारे सबसे लिख करके आ रहा है चार्ज बिल बी एप्लीकेशन एज पर मोबाइल सर्विस प्रोवाइड चेक योर इनबॉक्स फॉर रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वेस्ट सर्विस। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि हमने पहले से इसको मतलब रजिस्टर करके रखा, इसलिए दोस्तों नहीं हो रहा है, वरना आप सबमिट करेंगे तो आपको सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल आएगा तो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो गया है। दोस्तों इसके बाद आपको कॉल देखना है, जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों पुनः इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप पुनः यहाँ पर आएंगे तो फिर कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम कॉल के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद अपने आप डायलर खुल जाएगा, डायलर में मोबाइल नंबर आएगा। दोस्तों इसके बाद आपको डायल करना है। जैसे इस तरह बोल के आपका मोबाइल कट हो जाएगा। दोस्तों कट होने के बाद आपको हम बता दें कि आपके मोबाइल में एक एसएमएस तुरंत भेज दिया जाएगा, एसएमएस भेजे जाएंगे तो उसमें दोस्तों हम आपको मैसेज दिखा देने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई योर बैलेंस। आज आप सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आ जाएगा। हमारे नंबर पर एसएमएस आ चुका है दोस्तों, तो एसएमएस में आपको सब दिखाई दे देगा। उसमें मिनी स्टेटमेंट आप कुछ भी देख सकते हैं। दोस्तों आप मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना मिनी स्टेटमेंट चेक करेंगे, कॉल करेंगे तो आपका कॉल लग जाएगा थोड़ी देर के लिए और अपने आप कट जाएगा दोस्तों। और इस तरह आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।